ठीक है, डबल इंडिकेटर ऑन कर ले। स्टार्ट है? हाँ, पहले से ही स्टार्ट थी, बंद ही नहीं करी मैंने। 1, 2, 3। सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आज हमारा फ्राइडे है एंड आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बतानी है। आज इतना बड़ा झटका लगा है ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम क्या मतलब, जब मुझे लास्ट में पता लगा कि ऐसा हुआ है, मतलब जैसे ऑफिस ख़त्म होने वाला था तो एकदम फिर मतलब सर ने बताया कि ऐसा हो गया है। भाई ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी। न्यूज़ क्या थी, एक सेकेंड में शीशा बंद कर लूँ फिर बताता हूँ। हाँ तो न्यूज़ पता क्या थी, एक हमारे उसमें एक बंदा था, हमारी टीम में ही था, है ना। तो जैसे हमें रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है बाय द एंड ऑफ द डे, तो अब क्या होता था कि उसके अंदर उसके तरफ से फेक चीज़ें ऐड होती थी कि हाँ उसने इतना टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करा, आज उसने ये करा था, आज उसने वो करा था। तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको ऑथेंटिक दिखाने के लिए वहाँ पे उसने फेक चीज़ें ऐड करता था। अब कर तो वो ये चीज़ रहा था काफ़ी टाइम, 2-3 महीने से कर रहा था, पर अब आज वो पकड़ा गया। और फिर उसकी फिर सारी चीज़ें चेक हुई पीछे की कि ये चीज़ें फेक ऐड करता था रिपोर्ट में या काम करता भी था 8 के 8 घंटे। तो सारी चीज़ें चेक हुई, फिर उसे मीटिंग रूम में बुलाया गया, फिर मीटिंग वीटिंग अरेंज हुई सारी। फिर अब वो बैठा था अपनी सीट पे, फिर बाहर से फ्लोर मैनेजर आया, वो आके कहता कि ऐसे ऐसे सीईओ सर की सीधा मेल आई है कि आपको सस्पेंड कर रहे हैं। पहले मुझे लगा कि 1-2 दिन के लिए सस्पेंड करेंगे, पर अभी लास्ट में उन्होंने बताया कि उसे हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया। सबकी शक्ल देखने वाली थी यार, तो नहीं लूंगा मैं उस बंदे का यार, ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, पर उसे सस्पेंड कर दिया। तो यार फेक चीज़ें ऐड करता था वो उसमें अपनी शीट में। तो चीज़ सीखी मैंने इस चीज़ से, मैं बता देता हूँ आपको। ज़िंदगी में ना, ज़िंदगी के अंदर लर्निंग्स बहुत ज़रूरी हैं। अब जो लर्निंग मिली मुझे आज वो ये है, मैं नोटिस करी है पर मैं सोच रहा हूँ आज उसके ऊपर लाइट डालते हैं थोड़ी बहुत। तो लर्निंग ये है कि यार कोई किसी से मतलब नहीं रखता। तुम मर रहे हो, तुम जी रहे हो, तुम यहाँ जा रहे हो, तुम वहाँ जा रहे हो, कोई भी थर्ड पार्टी तुम्हारे से मतलब नहीं रखती। अनटिल अनलेस, बी केयरफुल, मतलब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, अनटिल अनलेस तुम जब तक सक्सेसफुल नहीं हो तब तक किसी को भी किसी से फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी। जब तक लोगों को काम है ना तुम्हारे से, तब तक वो तुमसे बात कर रहे हैं। जिस दिन तुम्हारा मतलब तुमसे कोई मतलब नहीं रहेगा ना, वो तुमसे बात भी नहीं करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा तुम मतलब ही बन जाओ, पर जिसके साथ रह रहे हो देख दाख के रहा करो। तो तुमने तरबूज का पेड़ देखा, कैसा लगा तुम्हें तरबूज का पेड़, मस्त था ना? मैंने तो पहली बार देखा था, मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है क्या। अच्छा तुमने कभी सैफ्रॉन का पेड़ भी नहीं देखा होगा? नहीं देखा ना? मैंने देखा, काफी चीजें देख ली मैंने। चलो घर चलता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे, या तो दोपहर को मिलूंगा या फिर आज। एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है इस फ्राइडे को। क्या होने वाली है? शाम को बताऊंगा, ठीक है, सी यू। फाइनली आज हमारा लेग डे है एंड मैं आ गया पीटी सर बन के, कच्चा जूते एंड अपनी टी शर्ट। आप सोचते हो यार भाई के पास एक ही टी शर्ट है यार, रोज के रोज जब भी देखो एक ही टी शर्ट पहन के आ जाता है, या फिर ये हमारा उल्लू बना रहा है वर्कआउट की वीडियोस बना के एक ही टी शर्ट के अंदर, कि एक ही दिन में सारी एक्सरसाइज कर लेता है, ठीक है, छोटे छोटे क्लिप बना लेता है और फिर वो यूट्यूब पर डाल देता है। मैं क्यों करूँगा ऐसा, मुझे कौन से पैसे मिल रहे हैं इस चीज़ के, और मुझे क्या पड़ गया तुम्हें शो ऑफ करने की। रोज एक ही टी शर्ट पहनता हूँ मैं सोचता हूँ यार जबकि एक ही टी शर्ट हो ना तो सही है, कभी कभी थोड़ा अलग महसूस करने के लिए हाँ टी शर्ट बदलो, वो मतलब दिस इज़ वेल एंड गुड। एक और अपडेट, अपडेट क्या है, अपडेट ये है कि आज हम ऊपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि 2 या 3 हफ्ते से मैं ऊपर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इतनी भयंकर गर्मी होती है ना ऊपर। आज हम इसे क्या कहते हैं, लेग प्रेस स्क्वाट्स, ये हैंड्स की है नहीं, इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी हमें, ये है क्या, ठीक है, ये हमारी काफ नहीं, क्या हो गया है मुझे, ये हमारी इसकी है क्वाड्स की, पट की, और ये हमारी हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग पता कौन सी होती है, तुम्हें नहीं पता,
ये वाली, ये नहीं ये वाली मसल होती है, एंड ये हमारी काफ। तो आज हम नीचे करेंगे अपनी सारी एक्सरसाइज एंड स्टार्ट करते हैं, टाइम हो रहा है हमारा, जल्दी जल्दी करते हैं। आज दोपहर को आए हम, आज हम सुबह जिम नहीं आए, देखो कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। नाइट शिफ्ट इट नॉट जस्ट अ पीस ऑफ केक गाइस, यू हैव टू मैनेज। जा रहे हैं ऑफिस एंड आज हमें थोड़ा जल्दी ऑफिस जाना था क्योंकि यार थोड़ा सा काम है यार। तुम लोग भी कहते हो यार शुभित भाई तुम्हारी लाइफ में यार क्या ही है, मतलब कितनी बोरिंग सी लाइफ है, ऑफिस घर जिम सोना, ऑफिस घर जिम सोना, ऑफिस घर जिम सोना। तुम भी यही कहते हो ना कि यही सब भरा हुआ है तुम्हारी लाइफ में यार, अब क्या करें यार, जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। अब जब तुम बड़े हो जाते हो ना, जब तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, जब तुम्हारे कंधे भारी हो जाते हैं, जब तुम्हारे बाइसेप्स बड़े हो जाते हैं, जब तुम्हारी छाती चौड़ी हो जाती है, तो उस समय तुम थोड़े से बड़े हो जाते हो, तो तुम मैच्योर भी हो जाते हो। कितनी अच्छी बकवास करता हूँ ना मैं, चलो हाँ जोक्स अपार्ट। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी देखो तुम लोगों की लग गई है नज़र क्योंकि तुम लोग सोच रहे थे कितनी बोरियत सी लाइफ है। आज मैं जा रहा हूँ पार्टी में। पार्टी कौन सी पार्टी, शोध भाई पार्टी करते हैं? अरे ऑफिस की पार्टी आज, तो वहाँ पे जा रहा हूँ आज, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ, उसके बाद फिर ऑफिस भी जाएंगे। देख रहे हो कैसे बैलेंस बना के चलते हैं। हाँ तो पार्टी रहती है फिर अपन की, जाते हैं पार्टी वार्टी करते हैं एंड फिर उसके बाद आज का यार थोड़ा सा यूएसए में, आज यूएसए के होटल में रेस्ट करते हैं, है ना। चार दिन से हम यूएसए में घूम रहे हैं, आज यूएसए के होटल में रेस्ट करते हैं, परसों दूंगा तुम्हें न्यूज़ यूएसए की। सो आज हमारी फाइनली ड्रैग रेस होने जा रही है उस बंदे के साथ, वो वाली जो छोटी गाड़ी आ रही है ना तुम देख रहे हो, गरीबों वाली गाड़ी, उसके साथ होगी आज। तो आज जी वैगन वर्सेस वो कौन सी, सेल्टॉस है या है, सेल्टॉस है ना, तो आज किया वर्सेस सेल्टॉस होने वाली है एंड फाइनली आज ऑफिशियल ड्रैग रेस है हमारी भाई। ये वो ये बॉब द बिल्डर जिसे उसने निकाल दिया था। ये ऑफिस आया था साला, 10 मिनट लेट हो गए, इसे निकाल बस यहीं लगा लेना, यहीं लगा लेना। आगे लो आगे लो, थ्री थ्री हॉर्न पे करनी है, ठीक है। तीन हॉर्न ये बजाएंगे फिर भगना है, ठीक है। डबल इंडिकेटर ऑन कर ले, साइड है हाँ, पहले से ही स्टार्ट थी, बंद ही नहीं करी मैंने। अब नहीं तू बोल दे 1 2 3, 1 2 3। भाई बहुत पावरफुल इंजन है यार। ओह शिट।
यार ये नहीं हो पाया भाई। स्टार्टिंग में मतलब मुझे ऐसा लगा एक टाइम पे मैंने कि यार अपनी उठ क्यों नहीं रही गाड़ी, अपनी उठ क्यों नहीं रही, और 60 पे दी सुई। ओ भाई इसका कॉन्फिडेंस देखने वाला होगा, आप देख ही सकते हैं क्या का? मैं तो कह ही रहा था कि हम तो जीत जाएंगे। अरे कहाँ रह गए, दिख नहीं रहे यार, अरे कहाँ रह गए थे यार, तुम तो कह रहे 100 मीटर पीछे छोड़ दूंगा। अरे चलो ना, रेड लाइट हो रखी है, बाहर चलो, चल आजा। तो भाई आज इतना प्यारा एक्सपीरियंस रहा है ना अपना ड्रैग रेस के साथ। मतलब इतने टाइम बाद, मतलब मैं भी तुमसे कब से कह रहा हूँ कि यार आज ड्रैग रेस होगी, और ड्रैग रेस है, उसके आयुष के साथ ये है वो है, आज निकाल दिया, आज उसे वहाँ भेज दिया, सारा कुछ कर दिया। आज फाइनली, मतलब कल उससे बात हो गई थी, इसने मतलब राजा ने बात करी थी, तो वो उसे बता रहा था कि यार ऐसे ऐसे ड्रैग रेस होनी है, शोहित भैया गाड़ी ले आएंगे, तू भी अपनी गाड़ी ले, अपन को आज फुल एंड फाइनल करके देखना, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो आयुष कह रहा यार चल ठीक है, इनका बहुत ही उधार देते हैं यार ड्रैग रेस करके। मैं कही ठीक है यार, पहले तो मना कर रहा था वो स्टार्टिंग तक, फिर लास्ट में क्या था, जब हमारा चाय पीने का मतलब मूड बन गया था ना, कि हमने सबने डिसाइड करा कि चलो चारों परांठे पी लेते हैं, चारों परांठे खा लेते हैं, हाँ, तो लास्ट में फिर उसने कहा कि चलो ठीक है यार शोहित भाई ड्रैग रेस करते हैं आज। और पहले गियर में उठी, दूसरे में उठी, और उसकी गाड़ी जब साइड में थी ना, तो उस समय मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कि मेरी गाड़ी चल क्यों नहीं रही, क्या हो गया मेरी गाड़ी को। और मेरी गाड़ी लिटरली 110 120 पे थी, और उसकी तुम लगा लो कितने पे होगी, 100, और इतनी स्मूथ गाड़ी यार, इतनी स्मूथ कि मतलब मेरी गाड़ी साइड में चल रही है 110 120 पे, और उसकी गाड़ी 140 पे चल रही होगी, पक्का चल रही होगी 110%, और बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा था यार, बिल्कुल भी, क्या एक नंबर गाड़ी है यार, एक नंबर गाड़ी हो, मजा आ गया कसम से ड्रैग रेस करके यार, लवली एक्सपीरियंस। तो बोल दो, हमारी ये पहली ड्रैग रेस थी, जरूरी नहीं कि हर ड्रैग रेस में अपन हारे, है ना, जरूरी नहीं होता, हमेशा जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर होना चाहिए वो हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे तुम्हें पता लग जाए कि भाई तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो इस सब। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अगर मैं किसी छोटी गाड़ी से लगा था और मैं जीत जाता, है ना, तो मेरे अंदर एक गलत मेंटेलिटी आ जाती, मैंने कहा यार मैं तो जीत जाऊँगा, मैंने कहा नहीं, मैं एक स्ट्रॉन्ग गाड़ी से रेस लगाऊंगा, मैंने कहा देखते हैं यार अपनी जी वैगन कहाँ स्टैंड कर रही है। तो आज मज़ा आ गया यार कसम से यार, आई रियली होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताना कि यार नेक्स्ट ड्रैग रेस शोहित भाई किससे होनी चाहिए, और कब तुम्हें चाहिए ड्रैग रेस, तुम मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड सच्ची में अगर ये ब्लॉग पसंद आया ना, तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब भी कर देना, अब तो ड्रैग रेस मारा करेंगे हम। एक बार जब हाथ खुल जाते हैं ना, जब तुम एक बार जिम जाने लगते हो, जब तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारी मसल्स बन रही हैं, उस समय मज़ा आने लगता है, तो तुम आसानी से मतलब वो कर सकते हो, क्या कहते हैं उसे, इंटरलिंक कर सकते हो। तुम्हें लग रहा होगा शोर भाई इतने खुश क्यों हो, तो भाई ड्रैग रेस करके जब मज़ा आता है ना यार, देख हमने ना बिल्कुल सेफली ड्रैग रेस करी थी, मतलब हमने सारा कुछ देखा, ये नहीं कि इधर उधर लोग आ जा रहे हैं हम ड्रैग रेस, ना 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 ना, सारी रोड की सेफ्टी देखते हुए, अपनी गाड़ी की सेफ्टी देखते हुए, हर एक चीज़ के साथ सब कुछ देखते हुए हमने ड्रैग रेस करी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो प्लीज़ हर चीज़ कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सारा कुछ, एंड ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए वन एंड ऑनली शोभित शर्मा ब्लॉग्स। गुड बाय, लव यू ऑल, एंड गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग।